नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा कुछ कमेंट्स पढ़ के। इस समय आप देख रहे होंगे कि रोज़ पेपर में अवैध निर्माणों के ध्वस्त करने से संबंधित खबरें छप रही हैं। कई कॉलोनियाँ ऐसी जो अवैध रूप से विकसित कर दी गई हैं, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में अभियान चला के तोड़ा जा रहा है। कई कॉलोनियों में सरकारी जमीन भी शामिल मिल रही है और उनमें से अधिकांश कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें लेआउट स्वीकृत नहीं कराए गए हैं। लेआउट स्वीकृत ना कराने के कारण वो कॉलोनियां अवैध कॉलोनियों की श्रेणी में आ गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक्ट में ये प्राविधान है कि किसी भी विकास क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी उपयोग हो, लेकिन अगर आपको वहाँ लेआउट बनाकर कॉलोनी विकसित करनी है किसी भी भूपयोग में, तो आपको पहले संबंधित जो विकास क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं, विकास प्राधिकरण है या जो प्रभारी अधिकारी हैं वहाँ के, उनसे उस कॉलोनी का लेआउट स्वीकृत कराना आवश्यक है। तभी वो कॉलोनी वैध कॉलोनी की श्रेणी में आएगी और तभी आप उसमें प्लॉटिंग कर सकते हैं या कोई मकान बना सकते हैं। ये बिल्डर्स के लिए है। और जो उसमें खरीदार हैं, खरीदने वालों के लिए है कि आपको ये प्लॉट कोई भी खरीदना है तो आपको ये पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि उस लेआउट की स्वीकृति विकास प्राधिकरण से है अथवा नहीं। अगर नहीं है तो वो पूरी तरह से अवैध कॉलोनी है। तो आज या भविष्य में कभी भी वो कॉलोनी ध्वस्तीकरण की श्रेणी में जरूर आएगी और ध्वस्त करने की पूरी संभावना है। तो आपका जो भी खरीदा हुआ पैसा उसमें लगा है खरीदने में, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो पहले से सतर्कता रखें कि आप किसी भी अवैध कॉलोनी में मकान ना खरीदें जिसका लेआउट स्वीकृत नहीं है। तो आज का वीडियो जो है वो मैं इस कमेंट से शुरू करता हूँ। हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, हालांकि सिमिलर कमेंट्स सैकड़ों की तादाद में हैं अलग अलग वीडियोज में, मैं उनमें से कुछ दो तीन कमेंट्स ही पढ़ूंगा ताकि आप समझ पाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या लोग हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस टॉपिक में मैं दो कमेंट्स पढ़ के आपको बताता हूँ और इसी तरह के जो बहुत सारे कमेंट्स हैं उनसे आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि सिमिलर कमेंट्स में सारे कमेंट्स पढ़ने का कोई उपयोग नहीं है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, एक व्यूअर ने लिखा है कि सर, एलडीए ने मेरी नाक में दम कर रखा है, मैं क्या करूँ। जहाँ भी मकान बनाने की बात सोचता हूँ या खरीदने की बात सोचता हूँ तो वहाँ एलडीए बुलडोजर लेके पहुँच जाता है। मुझे नियम की जानकारी नहीं हो पाती, मैं किससे नियम पूछूं, कोई बताने वाला नहीं है, प्राधिकरण में कोई बताता नहीं है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सारे नियम बताता रहता हूं कि कहां, किस लेआउट में, किस एरिया में आपको मकान या प्लॉट खरीद लेना चाहिए, वो कौन से लेआउट्स हैं जो स्वीकृत की श्रेणी में आते हैं जहाँ आपको प्लॉट खरीदने में या मकान खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, और कहाँ आपको प्लॉट खरीदने से बचना चाहिए। आगे और कमेंट पढ़ के बताते हैं आपको। दोस्तों, एक हमारे व्यूअर हैं ब्रजेश तिवारी जी, उन्होंने लिखा है सर, जो कंपनियां प्लॉटिंग कर रही हैं सिर्फ उन्होंने अपनी कंपनी को ROC कानपुर से रजिस्टर्ड करा लिया है और प्लॉटिंग कर रहे हैं। किसान से जमीन खरीद कर उस पर 40 फुट, 50 फुट, 30 फुट की डामर रोड, बिजली पार्क और ग्रीन पार्क की सुविधाएं भी दे रही है, कब्जा भी तुरंत दे रही है। उनके पास पूर्ण रूप से खारिज दाखिल के प्लॉट हैं। रजिस्ट्री जिसको करते हैं उसमें तो यह लिखा ही जाता है कि आवासीय भूखंड है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस तरह के प्लॉट खरीदने में किसी तरह की कोई परेशानी भविष्य में आ सकती है, क्योंकि उनके पास ना तो 143 है, ना ही LDA से किसी तरह का प्रमाण पत्र, ना ही जिला पंचायत से कोई प्रमाण पत्र और ना ही रेरा से कोई प्रमाण पत्र। तो ऐसी कंपनियों से प्लॉट खरीदना वैध है या अवैध है, हमें उचित सलाह देकर मार्गदर्शन करें। दोस्तों, इसी तरह से बहुत सारे कमेंट्स हैं। कुछ लोगों ने लिखा है सर, जो घर 5 से 7 साल पहले बना हुआ था क्या उसका भी मैप पास कराना जरूरी है कि नहीं, अगर जरूरी है तो उसमें सेटबैक नहीं छूटा हुआ है तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, मैप की अप्रूवल कराने से बचा जा सकता है। दोस्तों, मकान आपका कितने साल पहले बना है इस बात का कोई तात्पर्य सीधा इससे नहीं है कि नक्शा पास कराना जरूरी है या नहीं। दोस्तों, प्रश्न ये है कि अगर आपने किसी विकास क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत कोई मकान बनाया है तो आपका नक्शा पास पहले होना जरूरी है, उसके बाद निर्माण किया जाना जरूरी है। अगर आपने 5 साल पहले मकान बना लिया है और उसका नक्शा पास नहीं है तो आज भी वो अवैध निर्माण की श्रेणी में और उस पर आगे डिमोलिशन की कार्रवाई हो सकती है, ये इसका जवाब है। दोस्तों, अब जो इसके पहले कमेंट पढ़ा था ब्रजेश तिवारी जी का, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रही हैं और किसी भी प्राधिकरण से लेआउट पास नहीं करा रही हैं। उनके लेआउट पास ना कराने के कारण विभिन्न हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ का लैंड यूज आवासीय ना हो, प्राधिकरण उसका नक्शा
लेआउट पास हो ही ना सकता हो प्राधिकरण से, या फिर कोई और लैंड का ऑनरशिप डिस्प्यूट चल रहा हो, या उनको गलत लाभ कमाने की लालसा से उसका लेआउट स्वयं पास ना कराना चाह रहे हैं और ऐसे ग्राहक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अनजान हो, जानकारी कम हो नियमों की और उनके प्लॉट बिक जाएं, तो दोस्तों ऐसी अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचना चाहिए। तो ये कुछ कमेंट्स के माध्यम से हमने आपको ये बताना चाहा कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ, तो पहली कैटेगरी में मैं ये बताऊंगा कि वो कौन से एरियाज हैं और वो कौन से मानक हैं जिनको अगर आप पालन करते हैं तो आपको मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आप निर्माण कर सकते हैं। पहले मैं उसको बताता हूँ, हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को बनाने के बाद भी इस वीडियो के संबंध में काफी कमेंट्स ये भी आ रहे थे, लोग इसमें कुछ समझने में उनको आसानी नहीं हो पा रही थी, कुछ बिंदु ऐसे थे जो अभी नहीं समझ पा रहे थे, तो आज मैं पहले उनको स्पष्ट करूंगा इस वीडियो में, ताकि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने से छूट मिली हुई है, तो वास्तव में उनके तथ्य क्या हैं आप पूरी तरह समझ पाए, दोबारा से मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो में जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरी तरह नियमों पर आधारित हैं और इनका आप अक्षरशः पालन करेंगे तभी उस 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर छूट की श्रेणी में रहेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने का मतलब ये नहीं है कि इसके संबंध में जो हमने अपने आई लिंक पे वीडियो दिया है वो ना देखें, उस वीडियो को देखने के बाद जब इस वीडियो को देखेंगे तब आपका पूरा कंक्लूजन निकल पाएगा, तब आप पूरी तरह से 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर किस तरह छूट प्राप्त है वो समझ पाएंगे। इसलिए जो आई बटन में हमने वीडियो दिया हुआ पहले उसको देख लीजिए और फिर इस वीडियो को दोबारा से देखिए, फिर आपको 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की सारी स्थितियां क्लियर हो पाएंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में किन बिंदुओं पर आपको सजग रहना है, पहले ये समझ लीजिए कौन कौन से बिंदु हैं, अगर वो पूरे करते हैं तभी आपको 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने से मुक्त रखा गया है। नंबर एक, भूखंड ओल्ड एंड बिल्टअप एरिया में होना चाहिए। ओल्ड एंड बिल्टअप एरिया कहने में एक सेंटेंस है लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ओल्ड एंड बिल्टअप एरिया का मतलब है पुरानी और निर्मित आबादी वाले क्षेत्र में होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पुरानी आबादी को समझते हैं जैसे अगर मान लो शहर के किसी बाहरी हिस्से में 5 साल 10 साल पहले कोई कॉलोनी काटी है, भले वो अवैध कॉलोनी है, तो लोग कहते हैं ये तो पुरानी आबादी होगी साहब, 10 साल पुरानी तो बनी है, इसको आपने ओल्ड एंड बिल्टअप कहा तो ओल्ड हो गई। और बिल्टअप का मतलब वो समझते हैं कि मकान बने हुए हैं तो बिल्टअप हो गई, बने हुए मकान है तो बनी हुई आबादी और पुरानी निर्मित आबादी हो गई। दोस्तों जो हमारे नियमों की परिभाषा है उसमें ओल्ड एंड बिल्टअप का ये मतलब नहीं है। अब मैं आपको नियमों के अंतर्गत ओल्ड एंड बिल्टअप की क्या परिभाषा है वो बताता हूं। दोस्तों उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम के अंतर्गत जो बिल्डिंग बायलॉज बनाए हुए हैं जो प्रभावी हैं, उसके अनुसार निर्मित क्षेत्र का तात्पर्य ये है कि विकास क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ऐसे सघन आबादी वाले क्षेत्र जिसका अधिकांश भाग व्यवसाय, औद्योगिक, आवासी अथवा अन्य क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका हो तथा जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं यथा सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति आदि की व्यवस्था की जा चुकी हो और महायोजना के अंतर्गत, महायोजना के अंतर्गत मतलब उस शहर का जो मास्टर प्लान बना हुआ है उसकी बात हो रही है, महायोजना के अंतर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया हो, मतलब क्या हुआ, पुरानी आबादी वाला क्षेत्र और निर्मित क्षेत्र वो कहलाएगा जो किसी भी शहर की जो मास्टर प्लान होता है, मास्टर प्लान का जो चित्र होता है, जो उसका नक्शा होता है मास्टर प्लान का, महायोजना का जो नक्शा होता है उसके अंतर्गत वो स्पेसिफाइड क्षेत्र होता है, वो चिन्हांकित होता है महायोजना में कि ये हमारा पुरानी आबादी वाला निर्मित क्षेत्र है। अब बात आई कि पुरानी आबादी वाला निर्मित क्षेत्र आप महायोजना से निकाल के लाएंगे कि ये पुरानी आबादी वाला क्षेत्र है, मौके पर देखने पर जो निर्मित क्षेत्र आपको दिख रहा है या पुरानी आबादी दिख रही है वो नहीं, वो अवैध कॉलोनी हो सकती है, उस पर ये लागू नहीं है। अब पुराने निर्मित और आबादी क्षेत्र के अंतर्गत भी कई तरह के भूपयोग भी है, जैसे कि व्यावसायिक है, औद्योगिक है, आवासीय है तथा अन्य प्रयोग भी किए जा सकते हैं जो हमारी महायोजना में चिन्हित निर्मित और पुरानी आबादी वाले क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत की ही बात कर रहे हैं, उनके अंतर्गत कई तरह के भूपयोग भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारा क्लॉज है पहला नंबर जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपका भूखंड निर्मित और पुरानी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होना चाहिए, तो पहले महायोजना में चिन्हांकित निर्मित और पुरानी आबादी वाले क्षेत्र में होना चाहिए, आपको ये इंश्योर करना है। नंबर एक, अब बात करते हैं नंबर दो पर। नंबर दो, उस
निर्मित और पुरानी आबादी वाले क्षेत्र के अंतर्गत स्थित होने के साथ साथ आपके पर्टिकुलर भूखंड का जो भू प्रयोग है महायोजना में वो आवासीय होना चाहिए। निर्मित और पुरानी आबादी क्षेत्र में आप जैसे भी बताया कि अन्य प्रयोग भी हो सकते हैं, व्यावसायिक भी हो सकता है, औद्योगिक भी हो सकता है, उस पर ये लागू नहीं है। आपका जो 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर नक्शे से छूट का मामला है वो पुरानी आबादी और निर्मित वाले क्षेत्र पर सिर्फ आवासीय भूखंडों पर प्रभावी है। दूसरी बिंदु आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप निर्माण करेंगे, मान लीजिए आपको नक्शा पास करने से छूट मिली हुई है, तो निर्माण आप कर लेंगे बिना पास कराए, लेकिन निर्माण करते समय आपको महायोजना और बिल्डिंग बायलॉज में जो निर्धारित उतने साइज के भूखंड के लिए सेटबैक हैं उनका पालन आपको करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ कि कितने सेटबैक की आवश्यकता है। दोस्तों 50 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए फ्रंट सेटबैक 1 मीटर छोड़ना आवश्यक है और इसमें रियर सेटबैक या पीछे के सेटबैक की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ 1 मीटर आगे का सेटबैक छोड़ना है। आप 0 से 50 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों जो 50 वर्ग मीटर से बड़े और 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट एरिया वाले भूखंड हैं उन पर आपको फ्रंट सेटबैक 1.5 मीटर तथा रियर सेटबैक भी 1.5 मीटर छोड़ना है, मतलब आगे 1.5 मीटर का सेटबैक और पीछे भी 1.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना है, बाकी आपका बिल्डिंग लाइन के अंदर आता है, आप उस पर निर्माण कर सकते हैं। ये हुई सेटबैक की बात। अब बात करते हैं कि अगली रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों अगली रिक्वायरमेंट है कि ये जो आपका 100 वर्ग मीटर तक का भूखंड का क्षेत्रफल है ये पुरानी आबादी के अंतर्गत स्थित होना चाहिए, रेजिडेंशियल होना चाहिए, सेटबैक की बात हो गई। अब ये चौथी बात ये है कि ये भूखंड अनडिवाइडेड पोर्शन होना चाहिए, मतलब मूल रूप से भूखंड का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर तक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराना कोई बड़ा मकान था, उस मकान के कई टुकड़े कर दिए खाली प्लॉट करके और छोटे छोटे टुकड़े 100 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के काट लिए और उन कई टुकड़ों में से एक टुकड़ा आपने खरीद लिया और उस पर आप कह रहे हैं कि हमारा मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों ये उस श्रेणी में नहीं आएगा। शासन की मंशा ये है कि जो पुरानी आबादी में पुराने मकान बने हुए हैं और छोटे छोटे मकान हैं उनको नक्शे पास से मुक्त रखा गया है, बड़े प्लॉट के छोटे टुकड़े करके 100 वर्ग मीटर तक की क्षेत्रफल में लाके उनको अनऑथराइज्ड रूप से सब डिवाइड करके जो प्लॉटिंग की गई है उस पर ये लागू नहीं है। भले ही आपका पुरानी आबादी वाले और आवासीय क्षेत्र में स्थित हो लेकिन डिवाइडेड जो पोर्शंस हैं उस पर ये लागू नहीं है। मूल रूप से भवन नगर पालिका में उतने ही क्षेत्रफल का होना चाहिए जो 100 वर्ग मीटर से बड़ा ना हो और उसके टुकड़े ना किए हुए, तभी ये प्रभावी होगा। टुकड़ों वाले में या अनऑथराइज्ड रूप से सब डिवाइड किए हुए पोर्शन पर ये नियम लागू नहीं। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर। इस तरह से जो भूखंड है उस पे आप अधिकतम 3 मंजिल भवन का ही निर्माण कर सकते हैं। अगला बिंदु ये है 3 मंजिल से ऊपर भवन का निर्माण उस पे अनुमान्य नहीं है। 3 मंजिल तक के निर्माण को इस कैटेगरी में मानचित्र स्वीकृत से मुक्त रखा गया है, उसके ऊपर निर्माण की अनुमति नहीं है। मानचित्र स्वीकृत भी करा के नहीं होगा और ना उसमें अनुमति है निर्माण। और अंतिम बिंदु है कि जैसे पुरानी आबादी वाले निर्मित क्षेत्र में स्थित है तो वहाँ कुछ गलियां काफी सक्रिय हैं, उनकी चौड़ाई बहुत कम है मौके पर, तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि वहीं पे ये छूट प्राप्त है जहाँ पे गली की चौड़ाई कम से कम 4 मीटर हो एग्जिस्टिंग रोड। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये कि मान लीजिए किसी गली की चौड़ाई स्थल पर मौके पर 4 मीटर नहीं है, मान लीजिए 3 मीटर है, तो फिर आप वहाँ ये कर सकते हैं कि रोड के सेंटर से, रोड का सेंटर कितना हुआ अगर 3 मीटर एग्जिस्टिंग है, 1.5 मीटर हुआ, तो रोड के सेंटर से अपनी साइड आप 1.5 मीटर सड़क छोड़ेंगे जो एग्जिस्टिंग है, उसके बाद 0.5 मीटर और अपने में छोड़ेंगे तो सेंटर से 2 मीटर हो जाएगा। इसी तरह जब सामने वाला बनाएगा तो रोड के सेंटर से 1.5 मीटर उसकी तरफ एग्जिस्टिंग रोड की चौड़ाई बचेगी और 0.5 मीटर वो अपनी ऑनरशिप की लैंड में से छोड़ेगा, मतलब रोड बाइंडिंग का प्रोविजन करते हुए रोड के सेंटर से 2 मीटर आपको और आपके सामने वाले को छोड़ना है ताकि भविष्य में रोड की चौड़ाई 4 मीटर तक की जा सके। इस प्रावधान के साथ आपको निर्माण करना है, मतलब रोड के सेंटर से 2 मीटर होना आवश्यक है, चाहे तो एग्जिस्टिंग रोड आपको मिल रही हो, तब नहीं मिल रही है तो जितनी रोड की कमी है उसका आधा, मतलब सेंटर से 2 मीटर करते हुए उसके बाद जो रिक्वायर्ड सेटबैक है अगर 50 मीटर तक का है भूखंड तो 1 मीटर और अगर 50 से 100 मीटर का है तो 1.5 मीटर, ये सेटबैक छोड़ के जो बिल्डिंग लाइन बचेगी उस पर आप निर्माण कर सकते हैं। तो इन 5 बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है, अगर इस कैटेगरी में आपका आता है तभी आपको 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा है, और वो फिर अगर आप बिना स्वीकृत कराए निर्माण कराते हैं तो वो अवैध निर्माण की श्रेणी में चला जाता है और वो निर्माण जब अवैध निर्माण हो जाता है तो उस पर विकास प्राधिकरण नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करता है, ध्वस्तीकरण के आदेश पारित करता है और ध्वस्त भी किया जा सकता है।
इसी कैटेगरी के बहुत सारे मकान आजकल ध्वस्त हो रहे हैं और लोग परेशान हैं, तो मैंने इस दृष्टिकोण से इस वीडियो में ये बिंदु रखे हैं ताकि आप दोबारा से हम इसको एक्सप्लेन कर पाए और आप समझ पाए कौन से भूखंड है जिस पर निर्माण करने से हम बुलडोजर की जद से बच सकते। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अलावा 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की जिनकी व्याख्या इस वीडियो में की है, उसके अलावा और कौन से ऐसे स्थान हैं, स्थल हैं जहां पर हम भूखंड खरीद लें तो हमें मानचित्र स्वीकृत कराने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारा स्वीकृत हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो आप विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य सरकारी विभाग जो भूखंड बेचने का काम कर रहे हैं, कहीं कहीं नगर निगम से भी कुछ भूखंड बेचे जा रहे हैं, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो बेच रहा है, तो इस तरह के भूखंड आप ले सकते हैं और उसपे आप भू उपयोग के अनुसार जो नियम और शर्त है उसमें दी गई उसके अनुसार निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता पड़ेगी, आप करा सकते हैं। तो इस तरह के सरकारी योजनाओं में भूखंड खरीदने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानचित्र स्वीकृत कराना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक और कैटेगरी है जिन बिल्डर्स ने अपने लेआउट किसी भी भू प्रयोग के लिए, चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, उन्होंने अपने स्थल का लेआउट विकास प्राधिकरण से, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से या कहीं अन्य सरकारी विभाग से पास करा रखा जो विकास क्षेत्र के अंतर्गत एप्लीकेबल है, तो उन स्थलों पर उन स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत आपको भूखंड खरीद के मकान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त वही है कि उनका नक्शा आपको पास कराना पड़ेगा या बिल्डर खुद उसमें अपना बिल्डिंग का टाइप डिजाइन पास करके रो हाउसेस या डिटेच्ड हाउसेस या सेमी डिटेच्ड हाउसेस बना के बेच दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने उसका लेआउट के अंतर्गत ही टाइप डिजाइन पास कराया हुआ है और निर्माण की अनुमति ली है, आप वहां भूखंड या भवन खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भूखंड खरीदते हैं तो आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा, नक्शा कैसे पास होगा इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, इसका अभी भी लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, उस वीडियो का टाइटल है एरिया अप टू 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने के नियम, आप देखिए ऊपर हमने आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों इस तरह हमने इस वीडियो में आपको ये बताने के प्रयास किया है कि आप सुख से चैन से अपना मकान बना पाएं और मकान के अंदर रह पाएं, प्राधिकरण से या सरकारी किसी एजेंसी से या उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का बुलडोजर आपके घर पे आके आपके मकान को तोड़ने के लिए ना आए, वो कौन कौन सी कैटेगरी है मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया है। और अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके अलावा कौन से अलावा, ओल्डन बिल्डअप एरिया के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद या अन्य सरकारी विभागों द्वारा विकसित योजनाओं के अंतर्गत या विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद या अन्य सरकारी विभागों द्वारा स्वीकृत किए गए लेआउट के अंतर्गत निर्मित भवन या भूखंडों में आप जो निर्माण करना चाहते हैं उनका अनुमति स्वीकृत करा के अगर निर्माण कर लेते हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कभी बुलडोजर या कोई अवैध निर्माण। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने नक्शा पास कराया है भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही होना आवश्यक है, अगर उससे भिन्न होगा तो फिर आप उतना पोर्शन आपका अवैध हो जाएगा, फिर वहां पर कार्रवाई हो सकती है और भवन का ध्वस्तीकरण भी किया जा सकता है। इतना ध्यान रखेंगे तो आपको इन कैटेगरी के भवनों में किसी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर आप जैसे कि ब्रजेश तिवारी जी का कमेंट हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत कोई कंपनी आरओसी में अपना रजिस्ट्रेशन करा के अवैध प्लॉटिंग करके बेच रही है, कह रही है दाखिल खारिज है और यहाँ पे नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं, आप ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं पास नहीं करा रहा हूँ आप पास करा लीजिए, खरीदार से ऐसे कहते, तो दोस्तों सचेत हो जाइए, ये सारी अवैध कॉलोनी की परिभाषा में आते हैं, इनका लेआउट स्वीकृत नहीं है और यहाँ अगर आप भूखंड या भवन खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो निर्माण है उस पर एक न एक दिन विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद कार्रवाई करेगा और ये ध्वस्त किया जा सकता है और आपका जो भी पैसा इसमें लगा है वो सारा डूब जाएगा। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप जिस स्थल पर भूखंड या भवन खरीद रहे हैं वो स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत स्थित होना चाहिए, बस आपको ये देखना है, कोई भी ऐसा भवन या भूखंड ना खरीदें जिसका लेआउट पहले से स्वीकृत ना हो या बाद में आप विकास प्राधिकरण से उसका नक्शा पास कराने में सफल ना हो। दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने पैसे का दुरुपयोग होने से बच पाएंगे और एक अच्छा वैध मकान या भवन या भूखंड खरीद पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होता है, अगले वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।